जीर्ण अवस्था, जीर्ण होना मतलब पच जाना, पक गई है, जीर्ण हो गई है, पच गई है। जीर्ण बोलते हैं जो वात का प्रकोप होगा ना। हाँ जी बेटा, जीर्ण होना, किसी भी चीज का जीर्ण होना मतलब पक जाना। ओके, तो ये है हमारे दोषों का भुक्त अन्य से संबंध। फाइन, किसी को कुछ नहीं समझना है या दोबारा रिपीट करना है तो बोलो। नहीं 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 अजीर्ण और आम अवस्था दोनों अलग होती हैं। वैसे जनरली हम रिलेट कर सकते हैं दोनों को, पर दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। आम अवस्था होती है कि हाँ भाई कच्ची अवस्था जब तक भोजन नहीं है। अजीर्ण का मतलब ही होता यही है कि जीर्ण नहीं होना है, मतलब नहीं, तो जीर्ण नहीं होना। तो अजीर्ण में दोनों अवस्थाएं आ जाएगी कि पच्यमान भी और आम भी आ सकती है। ठीक है, तो हम उसको आम अवस्था ही बोलेंगे जब हमने भोजन ग्रहणी, जब भोजन कच्ची अवस्था में है। इनकी जो जो भी मैंने बताया ना, इनकी ना एक टेबल बना लेना कि दोषों का ऋतु से क्या संबंध है, दोषों का दिन रात्रि से क्या संबंध है, दोषों का भुक्त अन्न से क्या संबंध है और दोषों का व्यय से क्या संबंध है। कौन से दोष की किस अवस्था में प्रकोप हो रहा है, कौन से दोष का। ओके, इसकी एक टेबल बना लेना, नोट्स बना लेना इसके। फाइन, किसी को कोई डाउट है, दोबारा पूछना है कुछ। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस में तुम सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे, कि ऐसे ही कनेक्ट करके छोड़ देते हो। आशा, अंजलि, नोट्स बना रहे बेटा। और समझ में आ रहा है। सचिन, रोल नंबर 12। समझ में आ रहा है। सादिक, नोट्स बना रहे हो। विकास, वसीम, शिक्षा, ओके। तो कभी मैं आप लोगों का, अगर ऑफलाइन क्लासेस होंगी आपकी, जब भी आप आओगे तो एक सरप्राइज टेस्ट हो सकता है आपका, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ना। ये जो टॉपिक्स कराए हैं ये साथ साथ पढ़ लेना, नोट्स कंप्लीट चाहिए मुझे और मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा किसी का कि मैम एक दिन का टाइम दे दो रिवाइज करने के लिए। एंड ऑल साथ साथ अपना टॉपिक्स कवर करते रहना, रिवाइज करते रहना, ठीक है। ज़्यादा लेंदी टॉपिक होता भी नहीं, आप नोट्स ही बना सकते हो और पढ़ भी सकते हो उसको। फाइन, और कोई डाउट हो किसी को। जो आपका ये थर्ड पॉइंट है ना पार्ट ए का, दैट इज अ बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे नाइट एज सीजन एंड फूड इनटेक, है ना। डे नाइट मतलब दिन रात्रि, दोषों का दिन रात्रि से क्या संबंध है ना। एज मतलब वह, जो हमने वह की अवस्थाएं बताई है। सीजन किसको बोल रहे हैं, ऋतुओं को बोल रहे हैं। फूड इनटेक मतलब अन्न से क्या है, भुक्त अन्न से क्या संबंध है ना। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका कवर हो गया है। That is a biological rhythms of त्रिदोष on the basis of day, night, age, season and the food intake. Fine. कल हम start करते हैं role of दोष in the formation of प्रकृति. Okay. तो आपका ये third point आपका complete हो जाएगा फिर. ये last topic बचा है आपका third point का. Okay. किसी को doubt है कुछ तो पूछो. और साथ साथ पढ़ते रहना. कभी भी question throw कर सकती हूँ मैं. ऐसा नहीं है कि सुननी रही तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। ओके, बल के प्रकार, श्रेष्ठ मध्यम और जो हीन बल कल बताया था वो। अच्छा देखो, बल हमने बोला था ना, दो ऋतु को हमने छह में डिवाइड किया था, दैट इज शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना।
तो जो शिशिर वसंत और ग्रीष्म है उसको बोला था हमने आदान काल की ऋतुएं, है ना। आदान काल की ऋतुएं क्यों बोला था, क्योंकि इसमें जो सूर्य होता है वो अपने प्रखर पर होता है, मतलब सूर्य बहुत तेज होता है, और सूर्य क्या करता है हमसे हमारी एनर्जी को ले लेता है। एनर्जी मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बल को बोल रहे हैं, है ना, तो बल को ले लेता है। तो जैसे जैसे ये उत्तरोत्तर क्रम में सूर्य प्रखर होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बल क्षीण होगा, मतलब कम होगा, है ना। तो जो आदान काल की ऋतुओं की बात कर रहे हैं फिलहाल बस हम, तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये है हमारी आदान काल की ऋतुएं, ये इसी क्रम में है, शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, है ना। तो जैसे जैसे आदान काल की ऋतुएं होंगी वैसे वैसे सूर्य अपने प्रखर पर आएगा, मतलब सूर्य का बल बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बल क्या होगा, क्षीण होगा, अपोजिट होगा ना, है ना। तो हमारा बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो शिशिर ऋतु में मनुष्यों का जो बल होता है वो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ बल होता है। बसंत ऋतु में मध्यम बल हो जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु तक आते आते, ग्रीष्म में क्या होता है गर्मी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना गर्मी। शिशिर में क्या होता है, थोड़ी सी ठंड, शिशिर में सबसे ज्यादा ठंड होती है, उसके बाद बसंत में ठंड थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी पड़ने लगा हल्की हल्की। बसंत के बाद जब ग्रीष्म में आती है तो गर्मी और ज्यादा तेज पड़ने लग जाती है, मतलब सूर्य अपने प्रखर पर पहुंच जाता है। तो सूर्य का बल जब सबसे तेज हो जाएगा तो हमारा बल क्या हो जाएगा, हीन हो जाएगा, है ना। तो बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिशिर में श्रेष्ठ बल होगा, बसंत में मध्यम बल होगा, ग्रीष्म में हीन बल हो जाएगा, दुर्बलता हो जाएगी, ठीक है। अब जब हमारी दो दूसरी ऋतुएं हैं, दैट इज द विसर काल की ऋतुएं, जिसको हम बोल रहे हैं वर्षा, शरद और हेमंत। तो विसर काल में कौन बलवान होगा, चंद्रमा बलवान होगा ना। सूर्य का जो बल है वो क्षीण होता जाएगा, तो सूर्य का बल जब क्षीण होता जाएगा इसका मतलब क्या है, हमारा बल बढ़ता जाएगा। सूर्य के बल के अपोजिट होता है ना हमारा बल, क्योंकि सूर्य हमारी एनर्जी है, हमारा बल लेता है। तो जैसे जैसे विसर काल में सूर्य का बल क्या होगा, कम होता जाएगा ना, तो हमारा बल बढ़ता जाएगा। तो वर्षा ऋतु में क्या, हीन बल होगा, शरद ऋतु में हमारा बल बढ़कर मध्यम हो जाएगा, और हेमंत ऋतु में मनुष्यों का बल बढ़कर श्रेष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बल बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि सूर्य का बल कम हो रहा है, ओके। दैट इज विसर्ग काल, समझ में आया। बस ये देख लेना, सूर्य के बल के अपोजिट होता है मनुष्यों का बल। और कोई, हाँ जी, और किसी को डाउट पूछना हो, या आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, लास्ट पॉइंट रहता है आपका थर्ड पॉइंट का, इससे पहले किसी को डाउट पूछना है किसी भी टॉपिक में तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आया सर। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो क्लास एंड करें। ओके जी, चलो क्लास एंड करते हैं ना। ओके बेटा, ओके बेटा।